हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मुझे फ़ोन आया था कि यार यहाँ पर ना नीचे एक गाय गिरी है, तो मैं उसको देख के आऊँ। तो यार चलो हम चलते हैं, देख के आते हैं। अभी मुझे थोड़ा रास्ता यहाँ से थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से रास्ता, और फिर हम जाएंगे यहाँ से नीचे को सड़क में। मतलब कि बहुत पुराना रास्ता है ये, अभी यूज़ में नहीं आता। और ये इस तरफ मेरे बहुत सारे बंधु लोग सोए हैं, मतलब कि मेरे डॉगीज़ वगैरह यहाँ पे दबाए हुए हैं मैंने, बहुत सारे हैं, कम से कम 20-25 होंगे। क्या करें, सब अपनी किस्मत से आते हैं यार, किस्मत से जाते हैं, हम कुछ नहीं बदल सकते किसी का। तो मैं चलता हूँ और आपको यहाँ से रास्ता दिखाता हूँ एक बार। यहाँ से नीचे है खाई, तो मैं नीचे जाता हूँ यार, वरना फ़ोन भी जाएगा साथ में और मैं भी जाऊँगा साथ में, रोलिंग होके। मैं पहुँच चुका हूँ सड़क में, मतलब कि ऐसे रास्ते से आया हूँ, यहाँ से खड़े से होके मैं देखता हूँ यहाँ पे कहाँ होगी गिरी हुई गाय। ओ नीचे है, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से काफ़ी नीचे है यार, मैं दिखाता हूँ एक बार ना। देखो वहाँ नीचे गाय पड़ी है, और शायद वो ज़िंदा है। हाँ वो ज़िंदा है। अब मुझे नीचे जाने के लिए रास्ता देखना पड़ेगा यहाँ से, तो मैं नीचे जाता हूँ और फिर देखता हूँ इसको। यार मतलब गाय काफ़ी ऊंचाई से गिरी है नीचे, और वो नीचे ही पड़ी है, तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। मैं देख के आता हूँ यार एक बार ना, ऐसे अच्छा लगता है यार, सब ने आना और जाना तो अपनी मर्ज़ी से है, पर अगर वो ज़िंदा होगी और उसकी किस्मत में मेरे हाथों से बचना होएगा तो बच जाएगी, वरना किस्मत है। तो भी मैं जाता हूँ यार, काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा यहाँ से मुझे, तो मैं जाता हूँ नीचे पहुँच के दिखाता हूँ आपको। मतलब यहाँ से ना यार रास्ता काफ़ी ज़्यादा गंदा है, इस तरफ से मैंने पाइप जोड़ा था ना, तो ये थोड़ा सा सिर्फ ठीक हुआ था। और यहाँ से नीचे जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी नीचे जाके है वो, और शायद यहाँ से कोई नीचे गया है पहले। आया इस तरफ से जाना पड़ेगा परे को। तो यार मैं नीचे जा रहा हूँ, और यहाँ पे रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और कांटे भी है बहुत ज़्यादा। डर भी लगता है यार ऐसे आने को ना, क्योंकि मैं अकेला ही आया हूँ, और यहाँ पे बाघ वगैरह सांप वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो मैं पहुँच ही गया हूँ, अब मैं दिखाता हूँ आपको आगे। वो ऊपर वो गाय लेटी है गऊ, और वो मुझे देख रही है। हाँ वो ठीक है पूरी एकदम। अरे हाय वाह, आप तो ठीक हैं बिल्कुल, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। ये देखो ये यहाँ पे पड़ी है बेचारी। हाँ देखो ये गिर रखी है, इसको चोट लगी है शायद बैक में ना काफ़ी, तो मैं बाल्टी वगैरह मंगाता हूँ अभी पानी के लिए इसको। मतलब तो यार ऐसे निर्दयी मालिक होते हैं ना, यूज़ में आने के बाद ऐसे छोड़ के चल जाते हैं। देखो बेचारी को कब से पड़ी होगी ऐसे, शायद इसको एक दो दिन हो चुके हैं यहाँ पे, किसी ने घास तो यहाँ डाला है। तो मैं अभी फ़ोन करके बाल्टी वगैरह मंगाता हूँ, और उसको निकालने का सोचते हैं ऐसे कि कैसे निकालना है इसको। इसके बैक पे यहाँ पे थोड़ी सी चोट लगी है, और शायद टांगों में भी इसको चोट लगी है। मतलब कुछ लोग होते हैं यार, किसी ने घास रखा है, इसको ये छत सा दिया है,
पर अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, अकेले इसको यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। यहाँ ऊपर से आया हूँ मैं नीचे को। मैंने फ़ोन करके बाल्टी और फीड वगैरह मंगा लिया इसके लिए, और मैं पंचायत में फ़ोन करूँगा और डॉक्टर को बुलाऊँगा और उसको देखेंगे, इंजेक्शन वगैरह देंगे। वैसे गया तो ये पूरी ठीक है, बस ये डैमेज हो चुके हैं ना, दर्द हो चुकी होगी इसके पीछे ना, क्योंकि बज रखा है, ये चोट लगी है इसको, आगे वाले पैर पे ये खड़ी है, पीछे बैंड है पूरा। तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ और बताता हूँ एक बार। ख्याल सर गाय को ना बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, इसलिए वो घास वगैरह कुछ नहीं खा रही है। कोशिश करता हूँ कि उसको पानी पिलाऊँ। यहाँ पे कोई साधन भी नहीं है जिससे मैं उसको पानी पिला सकूँ। ये छोटी सी बोतल है, तो मैं देखता हूँ कुछ इसका गुजारा हो जाए पानी की। मैंने इसको पानी पिलाने की कोशिश तो करी, पर ये उठ नहीं रही है, ना इसने पानी पिया। और ये ठीक है, बस इसकी बैक लेग्स, ये बैक जो साइड है पूरी डैमेज हो चुकी है मेरे ख्याल से। काफ़ी चोट लगी है इसको, यहाँ पे भी चोट लगी है। तो यार मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठा हूँ इसके पास, और मैंने फ़ोन कर दिया, मतलब कि बुलाया लोगों को, थोड़ी देर में आएंगे कोई तो देखते हैं, नहीं आएंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे कामों में आजकल लोग आगे नहीं आते। चलो अच्छी बात है, ऐसे टाइम पे ना जंगम की वाणी बड़ी याद आती है। अगर कभी जंगम की वाणी नहीं सुनी होगी तो जंगम की वाणी ज़रूर सुनना। पापा वगैरह को बोला आ रहे हो? हाँ तो नहीं बोलो, देख से निकालने का, देखते इसको फिर कैसे निकलनी है भाई। मतलब कि यार इस दुनिया में ना बड़े बेकार लोग हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी बैठा हूँ, इसको अभी हमने फीड वगैरह खिलाई थी, तो इनके कान पर टोकन लगा होता है गाय के कानों पे ना सबके, तो पता लग जाए किसकी गाय थी। तो यार देखो ये ऐसी सी जगह है, यहाँ से उठ के ये गाय कहाँ जाएगी, मतलब एक बंदे के चार बंदों के बस का भी नहीं है। ये इस तरफ से गिरी है कहीं से, इस तरफ से गिरी है, क्योंकि अगर इस तरफ से गिरी होती तो ये मर जाती बेचारी। और चारों तरफ से यहाँ से जाने के लिए ढंग से रास्ता भी नहीं है। मेरे को यार यहाँ पे डेढ़ घंटे से ज़्यादा हो गया है, मैंने फ़ोन किया था पर शायद वो किसी और ज़रूरी काम में बिजी हैं, तो अभी देखते हैं क्या होता है। इसकी किस्मत है, इसने कैसे जाना है। एक बात हमेशा याद रखना यार, जब कोई भी ना काम करना बंद कर दे या उसका शरीर चलना बंद कर दे, तो उसकी हालत ना इस गाय जैसी हो जाती है। इसने अपने मालिक को दूध पिलाया होगा, घी दिया होगा, मक्खन दिया होगा, जब इसने दूध देना बंद कर दिया तो अब ये यहाँ पड़ी है और कोई इसको उठाने भी नहीं आ रहा है। तो अगर ज़िंदगी में अपनी वैल्यू बनानी है ना, तो हमेशा काम करते रहना, और कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ हमेशा चलती रहेगी। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब आपकी हालत भी ऐसी हो जाएगी। पर अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं होंगे ना जो आपका ध्यान रखें, तब आपका क्या होगा। और ये आ चुका है देखो, कालू रेस्क्यू करने आ चुका है अपने दोस्तों के साथ, मतलब कोई आदमी तो आया नहीं पर ये आ गया। पकड़ पुर के बैरो, पर ऐसा करना जो पेड़ ना फंसे बैरो। बेचनी पड़ी तो यार अभी हम नीचे से आए थे, मतलब कि गाय को हमने उसको बैठने के लिए ढंग से जगह दी थी, क्योंकि वो ना काफ़ी मतलब कह रहे थे कि तीन दिन से वो ऐसे ही एक ही पोजीशन में पड़ी हुई थी, तो उसके पैर भी सारे सूज गए थे। तो हमने उसको दवाई तो नहीं दी, अभी घास दिया, फीड खिलाई, पानी दिया, और डॉक्टर भी नहीं थे कोई नहीं, ना उन्होंने फ़ोन उठाया किसी ने। आज बंद है ना सब कुछ, मैक्सिमम जगह बंद ही है, तो सब आ गए फिर घर को। हम उसको बैठने को बनाया, अब कल जाएंगे, कल उसको दवाई वगैरह लेके, विटामिन वगैरह लेके, पेन किलर का इंजेक्शन लगाएंगे उसको,
तो देखते हैं ठीक होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ऊपर उठाना तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना वहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई में तो खुद को आने जाने में दिक्कत जाती है, तो उसको उठाना तो बहुत मुश्किल है, या तो क्रेन ही लगेगी। तो देखते हैं क्या होता है, क्या है उसकी किस्मत में। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त, और सावधान रहें, सतर्क रहें। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना।